वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्द के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत के खसूसी तौर पर शिरकत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इतफाक़ राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार है। इजलास का एलामिया जारी, नरम रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। रियासत के अमलदारी को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी उज़िमा नहीं हो सकती। हमने हर मामला अफवाज पर छोड़ दिया, जो खतरनाक रविश है। इस तरह के इससे दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। ऐसे कानून बनाने होंगे जो नफरत और तकसीम के बयानिये खत्म कर सकें। कौमी बयानिये को दागदार करने के लिए सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई, यकीनी बनाएंगे गलत मालूमात और झूठ सच को ना दबा सकें। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। पाकिस्तान आर्मी में मसीही भाइयों ने अपने खून से तारीख लिखी। हर मैदान में मसीही बरादरी के शानदार खिदमात हैं। सिपाही हारून विलियम की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशां है, वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ और वज़रा की सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफा वतन में मसीही बरादरी की कुर्बानियों को सराहा। सिपाही हारून विलियम ने जिला कुरम में सदारत दहशतगर्दी ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ का भी सिपाही हारून और सिपाही अनुश की कुर्बानियों को खराज अकीदत। शहदा का इतिहाद और बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। कौम मादर वतन के दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। सिपाही हारून को फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुरम के दीगर शहदा भी अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। मुसलह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। ISPR मुल्क दुश्मन अनासर के मजमूम अजायम खाक में मिलाने के लिए इदारे करीबी राबता रखें। चीनी शहरियों के सिक्योरिटी प्लान पर किसी कस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। वजह करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वजारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमू सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों खसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम का जायजा। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमू सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी के सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोन अमल दरामद की हिदायत। चीन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार तश्वीशनाक है। सीपैक पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क की मैशत इस वक्त बिखरी हुई है। हमारे कारकुनों को पुरअम एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। हमारे अरकान पार्लियामेंट पर मुकदमा दर्ज किए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। जब ख्वाजा साहब आप यहाँ बात करते हैं ना, मैं रोना आता है भाईजान। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, वो आपने आईजी का IGI के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा साहब, हम आवाम के वोट लेके आते हैं, हम नहीं आते। सनाउल्लाह मस्ती खैल का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल। कौमी असेंबली में शदीद गर्मा गर्मी। मस्ती खैल के गैर शाइस्ता और गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हुकूमती अरकान बरहम। एवान में शदीद एहतजाज। हुकूमती और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकाम में हाथापाई होते होते रह गई। कौमी असेंबली सिक्योरिटी स्टाफ ने दरमियान में कतार बनाकर अरकाम को हाथापाई से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर ने कुछ देर के लिए एवान की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। सनाउल्लाह मस्ती खैल के अल्फाज भी कार्रवाई से हज़फ। वक्फे के बाद कौमी असेंबली का दोबारा इजलास। खातीन अरकान की स्पीकर डायस के सामने शदीद नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक ने खातीन अरकान का मुतालबा तस्लीम कर लिया। PTI रुकन असेंबली सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनियत बर्डर सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर कौमी असेंबली ने सनाउल्लाह मस्ती खैल की मुअत्तली की करारदाद पेश कर दी। मेरे पास अल्फाज नहीं इस वाक़े की कैसे वजामत करूँ। 2002 से ऐवान का हिस्सा हूँ, आज तक माइक पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। सरदार अयाज सादिक।
तहरीक इंसाफ ने सनाउल्ला मस्ती खैल की रुकनियत मुअत्तली का फैसला मुस्तरद कर दिया। सनाउल्ला मस्ती खैल से जुबान फिसलने से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, ये हमारी रविश नहीं। मस्ती खैलें बर वक्त मजम्मत की वो मुआफ़ी के लिए भी तैयार थे। हम स्पीकर के फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। फैसले के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। पीटीआई ने मामले पर पार्लियामानी पार्टी का अजलास आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी बजट इजलास में भरपूर शिरकत के लिए राजी। नून लीग और पीपी की मुज़ाकराती कमेटी में मामला तय। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पीपी फाइनेंस बिल की मंजूरी में साथ देने का ऐलान 24 जून तक करेगी। बिलावल भुट्टो 24 जून को कौमी असेंबली में बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। पीपल्स पार्टी के आयदा हिकमत अमली भी इसी खिताब में सामने आएगी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म की ऐवान में मौजूदगी का भी इम्कान। मोहम्मद जुबैर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ बताया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को डिसमेंटल करने की कंस्पिरेसी शुरू हुई। खान साहब की हुकूमत 3 साल और 4 महीने के बाद इन्होंने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स जो थे, एक मुजरमीन का टोला, उनको पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दिया। पीटीआई का साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट से अस्खुद नोटिस का मुतालबा। मोहम्मद जुबैर ने इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि साबिक आर्मी चीफ ने पीटीआई हुकूमत गिराने का कहा। महज़ब मुल्क होता तो मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाया। आइन की खिलाफ वर्जी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। एहसन इकबाल ने कहा कि लोग चाहते हैं कि बानी पीटीआई 5 साल जेल में रहें, इन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। एहसन इकबाल के बयान से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। चीनी वफ़ ने खुलेआम कहा है कि आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाएँ, इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, एक पैसे की सरमाकारी नहीं हो रही। रऊफ हसन। हमारी सीटें चोरी की गई हैं। 180 सीटें हमारी होनी थी, उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहाँ पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो और उसके साथ जो उसके कमिश्नर के कमीशन के लोग हैं, 4 कमिश्नर हजरात हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और सारे फिल्फ और मुस्ताफियों। मुल्क में तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। हमारी सीटें छीनकर फॉर्म 47 पर लोगों को लाया गया। तहरीक इंसाफ के 180 सीटें चोरी की गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स झूठ बोलने पर मुस्ताफी हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हमारी ख्वातीन जेलों में है, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे केसेस में तारीख पर तारीख मिल रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान। एक नूरा कुश्ती है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम। हर इस मौके पर जब कोई बिल पास करना हो, जब कोई बजट लाना हो, तो आवाम को धोखा देने के लिए ये काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो तबका पिसेगा वो तनख्वाहदार तबका है, वो मिडिल क्लास लोग हैं। जो इस वक्त बिजली के बिल आ रहे हैं, ये बिल नहीं आ रहे हैं, बिजली के बम आ रहे हैं हर घर में। ये लोड शेडिंग क्यों है? तो ये बिजली की लोड शेडिंग और ये भारी बिल और ये आवाम दुश्मन जो बजट है, इसके खिलाफ एहतजाज होगा। जमात इस्लामी का बजट बिजली के इजाफी बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नोरा कश्ती जारी है। हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क तबाह हो गया है। हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। जागीरदारों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? इदारों की निजकारी होगी तो मुल्क के लिए खसारे का सौदा होगा। मुल्क को ताकतवर अशराफियों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले खुद मरात दे रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम बदतरीन हालात में है। हुकूमत की नाअहली और करप्शन अरूज पर है। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। सवात के अंदर वाकया पेश आया है और एक और मॉब लिंचिंग का वाकया, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। हमें इस ऐवान को इस वाकये का नोटिस लेना चाहिए। इस्लाम जिसने हमें ये तालीम दी कि अगर काफिर की लाश है उसकी भी हुर्मत का एहतराम किया जाए। हम न सिर्फ ये कि मॉब लिंचिंग से लोगों को मारते हैं, बल्कि उनकी लाशों को आग लगाकर
उसको तमाशा देखते हैं। सवात में बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वाकये पर पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठ रहे हैं। दीन का नाम इस्तेमाल करके रियासत के बुनियादी असूल पैरों तले रूंधे जा रहे हैं। इस्लाम ने लाशों की बेहुरमती की मुआवनत फरमाई। किसी गैर मुस्लिम की लाश की भी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर लोगों को मारकर जलाया जाता है। ऐसे वाकयात की रोकथाम जरूरी है। एवाज वाकये का नोटिस ले। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें लौट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। उम्मीदवारों की तरफ से पीटीआई नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद में उम्मीदवार पीटीआई नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हो गए। इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया गया। खत पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर शफकत महमूद चौहान समेत 6 मेंबरान की जानिब से चीफ जस्टिस को भिजवाया गया। उम्मीद है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीरी में सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज की तकरीरी के लिए आपने सीनियरिटी के असूल के खिलाफ वोट दिया। सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के अहदे के अहल नहीं समझा जाएगा तो बतौर जज उनके मनसब पर सवाल उठेगा। सीनियर तरीन जज के लिए सीनियरिटी के असूल से इनफिराफ ठोस शवाहिद के बगैर नहीं किया जा सकता। खत का मतन। आइंदा माली साल के लिए नए टैक्सों की भरमार असरात बजट मंजूरी से कबल ही आना शुरू हो गए। गुज़श्ता 4 हफ्तों में मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। महंगाई की शरह 21.22% से बढ़कर 23.78% तक पहुंच गई। टमाटर, प्याज, आलू, दाल, माश, दाल, चना मजीद महंगे। चावल, अंडे, मिर्च, लहसुन की कीमतों में कमी। महकमा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के आदाद व शुमार जारी कर दिए। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की इजाजत के बगैर पीटीआई की रैली का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी इमदाद को नुकसान पहुंचाने की दिफा शामिल। मुकदमे में पीटीआई क्यादत शुएब शाहीन, आमिर मसूद मुगल, आलमगीर खान समेत 11 अफराद नामजद मुलजमान ने पुलिस के साथ मुजामत की और सरकारी गाड़ी पर पथराव किया। मुकदमे का मतन। डी सी रावलपिंडी ने पीटीआई के 4 रहनुमाओं के नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। शहरयार रियाज, अजमल साबिर राजा, अमीर अफजल, तैमूर मसूद अकबर के नजरबंदी के अहकाम जारी। पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके 15 दिन अडयाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। बलोचिस्तान और सिंध बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। तुर्बत में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नकंडी दादू और शहीद बेनजीराबाद में पारा 43 को छू गया। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। शहर कायद में आज पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। करक शहर और मुजाफात में तेज़ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़िता। महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। बलाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिशों की पेशगोई।